नमस्कार, मैं लालचंद, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामू जिया। हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है 10वीं कक्षा का पाठ ममता। जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही अमर कृति है, एक ऐतिहासिक कहानी है, जिसमें एक विधवा ब्राह्मण स्त्री ममता के त्याग और उसके जीवन के बारे में लिखा गया। इसका पार्ट वन जो है, मैं पहले ही उस पर वीडियो भेज चुका हूँ, पार्ट टू से शुरुआत करने जा रहे हैं। काशी के उत्तर धर्म चक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। अब एक एक शब्द जो है ध्यान से करना है। काशी के उत्तर भाव उत्तरी दिशा में धर्म चक्र विहार, धर्म चक्र जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया था, धर्म का चक्र चलाया था। विहार वह जगह, वह स्थान जहाँ पर धार्मिक उपदेश दिए जाते थे। बौद्ध धर्म में कई विहारों का जिक्र किया गया है। ये विहार जो है काशी के उत्तर दिशा में स्थित है। ये विहार आगे क्या बताता है, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। मौर्यकालीन राजाओं और गुप्तकालीन राजाओं की कीर्ति का, उनकी प्रसिद्धि का सबूत था, पर अब वह खंडर बन चुका है। ठीक है, किसी समय में बहुत सुंदर यहाँ पर विहार बना हुआ था, अब वह एक खंडर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। भगनचूड़ा अवशेष तिनके गुलमों झाड़ियाँ से ढके हुए प्राचीर दीवारें, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति। अवशेष जो है वह तिनकों से और झाड़ियों से ढके हुए जो दीवारें हैं वह ईंटों के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। जहाँ पर कभी दीवारें थी, अब वह ईंटों का ढेर बन चुकी है। अब उस ईंटों के ढेर में भारतीय शिल्प कला की जो कलात्मकता है, भारतीय शिल्प कला जो है वह आज एक राख का ढेर बन चुकी है। भारतीय शिल्प की विभूति, एक महान प्रसिद्धि। आगे क्या है, ग्रीष्म रजनी की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय शिल्प कला की महानता है, आज वह एक ईंटों के ढेर में पड़ी हुई है। और ग्रीष्म गर्मी, रजनी रात, पर्यायवाची शब्द है, कि चंद्रिका चांद की रोशनी, ज्योत्सना पर्यायवाची शब्द है चंद्रिका भी, में अपने को शीतल कर रही थी। भारतीय जो शिल्प कला है आज उसकी क्या दशा है, कि गर्मियों की रात में चांद की रोशनी में अपने आप को वह शीतल कर रही है, ठंडा कर रही है। आगे, जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु पांच भिक्षुओं ने गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, इस स्थान पर पांच भिक्षु जो थे वह महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में, भग्नावशेष फिर से अवशेष आ गए हैं, मलिन मैली छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही है। अब उसी स्तूप के जो खंडर अवशेष हैं, उन अवशेष की छाया में, परछाई में, एक बगल में एक झोंपड़ी है, जहाँ पर दीपालोक दीपक की रोशनी में एक स्त्री जो है पाठ कर रही थी। क्या पाठ कर रही है, अनन्य सिचतेंतो माम ये जनाते परउपासते, भगवान श्री कृष्ण का श्लोक है, गीता में से लिया गया है। अनन्य सिचतेंतो, अनन्य भाव से माम, मेरी परउपासते उपासना करना, जो अनन्य भाव से मेरी, वह भक्तजन जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं। पाठ रुक गया, एकदम से पाठ रुक जाता है।
एक भीषण और हताश आकृति, भीषण काफ़ी बड़ी विशाल, हताश हारी हुई, आकृति परछाई एक रूप दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। अब दीपक का जो लो है वह बड़ी मध्यम है, उस मध्यम प्रकाश में एक बहुत ही भीषण भयंकर और हताश हारी हुई निराश एक परछाई जो है वह सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, कपाट दरवाज़ा, परंतु व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो, स्त्री ने पूछा। जवाब क्या मिलता है, मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ, इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। चौसा युद्ध जो है सन 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, विपन्न होकर हार कर उस युद्ध में शेरशाह से मेरी हार हुई है, अब मैं रक्षा चाहता हूँ, इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, अब मैं आगे नहीं जा सकता। क्या शेरशाह से, स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, जालिम अत्याचारी, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। भीषण रक्त की प्यास, खून की प्यास, खून पीने की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब, निष्ठुर कठोर जो किसी पर दया न करता हो, प्रतिबिंब परछाई, वह परछाई जो शेरशाह के मुख पर है थी, वही तुम्हारे मुख पर नज़र आ रही है। सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अशव गिर पड़ा है, अशव घोड़ा पर्यवत शब्द है, इतना थका हुआ हूँ इतना, कहते हुए व्यक्ति धम से बैठ गया। धम से बैठ जाना, एकदम वहीं पर गिर जाना, नीचे बैठ जाना। और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, ये विपत्ति कहाँ से आई, उसने जल दिया, पानी दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाला आत्ताई जालिम, विधर्मी जिनका संबंध दूसरे धर्मों से है, कि सभी जो विधर्मी जिनका संबंध दूसरे धर्मों से है वह दया के पात्र नहीं है, इन लोगों ने मेरे पिता का वध किया है। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, उदास हो गया। स्वस्थ होकर कुछ मुगल के पानी पीने के बाद उसके शरीर में कुछ जान में जान आई, गर्मी में होता ही है, जब हमें पानी मिल जाता है उसके बाद हमारे शरीर में भी स्फूर्ति आ जाती है। क्या बोलता है, माता तो फिर मैं जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, नहीं ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब अब उसकी अंतकरण में विचारों का बवंडर जो है उठ चुका है। कभी तो वह सोचती है कि विधर्मी है, दूसरे धर्म का है, ये दया के पात्र नहीं होते, पर दूसरी तरफ उसे अपना कर्तव्य याद आता है, अतिथि देवो भव है, जो हिंदू धर्म का सभी का कर्तव्य है, अतिथि देवो भव है, वह कर्तव्य याद आता है। तब प्रश्न उठता है, तब क्या किया जाए। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ, तलवार के सहारे से उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्रय है कि तुम भी छल करो, कैसे विश्वास करो, तुम भी तो धोखा कर सकते हो, छल कर सकते हो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है कि जिसका संबंध तैमूर वंश के साथ है वह किसी स्त्री के साथ छल नहीं कर सकता। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं छल करूँगा तो मैं जाता हूँ। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यहाँ कौन सा किला है, यही झोंपड़ी है,
जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, ब्राह्मणों की कन्या हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। सभी अपना धर्म छोड़ सकते हैं, पर एक जो ब्राह्मण है वह अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। यहाँ मेरे पास कौन सा किला है जिसको तुम लूट लोगे। मैं अपना कर्तव्य का पालन करूँगी। ममता बाहर आ जाती है। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, ममता का चेहरा देखा जिस पर महिमा जो है झलक रही थी चंद्रमा के मंद प्रकाश में। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई, खंडर थे पास में बोध विहार के। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा, जो खंडरों में दीवार के अंदर जो छेद हो जाते हैं उनमें से देखा सैकड़ों अश्व आरोही घुड़सवार उस प्रांत में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी कि ये उसने कौन सी मूर्खता कर दी, अपने आप को कोस रही। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा, सभी खुश हो गए। प्रसन्नता की आवाज़ जो है, खुशी का स्वर जो है, सब तरफ हर तरफ सुनाई देने लगा। ममता अधिक भयभीत हुई, ममता और भी ज़्यादा डर गई। जब सभी हंसने लगे हैं तो ममता का डर और बढ़ गया। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, जागरूक हो गई है, चेतन हो गई है। वह मृगदाव में चली गई, दिन भर उसमें से न निकली। संध्या को जब उनके जाने का उपक्रम हुआ, जब सभी जाने लगे तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ भी न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रय पाया था, मुश्किल समय में मुझे यहाँ पर आश्रय मिला, इसलिए उस स्त्री का घर बनवा देना, ये स्थान भूलना मत। इसके बाद वह चले गए। ये दूसरा दृश्य है। अब तीसरा दृश्य जो है, आज के लिए इतना ही।